उद्धव ठाकरे जी कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंसिंग में ये कह रहे हैं कि ये घटना जो है गलती से हुई है, ये गलती से हो गया। ये कौन सी गलती, आपके पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है जो ये इसके लिए आपके पास चोरी, यदि चोरी के कई लोगों ने वहां पर कहा कि जैसे कि चोरी का शक था, चोरी का शक था तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाइए, कह रहे कोई बच्चा चोरी का शक था उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाइए, उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था उसके अकॉर्डिंग आप धाराएं लगा सकते हैं, लेकिन आप किसी को ये मारने का अधिकार कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया आपको? मैं अभी मांग करता हूं, मैं महाराष्ट्र सरकार से, मैं तो कहता हूं ये सीबीआई जांच होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अकॉर्डिंग हमें न्याय मिलना चाहिए, और वह चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म से हमें कोई नहीं मिलना, हम वो सिर्फ अपराधी है, हमें न्याय चाहिए, कम से कम फांसी की सजा, इससे नीचे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये जो न्याय होना चाहिए पूरे देश को पता लगना चाहिए, ताकि वो इस घटना को, जो इस न्याय को देखे उसके रूह कांप उठे, ऐसा न्याय मिलना चाहिए, ताकि कभी कोई सपने में भी ऐसी घटना को करने के लिए सोच ना सके। मैं उद्धव ठाकरे जी से कहता हूं इसके अच्छी से ये सीबीआई को तुक देना चाहिए, मैं मांग करता हूं। तो सोनिया गांधी जी को मुझे लगता है कि हर एक मुद्दे पर, जब शाहीनबाग की बात आई थी तो सोनिया गांधी जी ने दिल्ली के मन से कहा कि हमें बाहर निकलकर विरोध करना चाहिए, ऐसी घटनाओं पर वो सामने आती है, लेकिन अब देश में साधुओं की संख्या हत्या हो चुकी है, ऐसा इतना बड़ा माहौल बन चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ यदि वो, उनको इस विषय पर भी कुछ बोलना चाहिए था और अपनी बात को रखना चाहिए था इस विषय पर भी। यदि ये कंफर्म हो चुका है कि वो कांग्रेसी हैं तो अलका लांबा पर एफआईआर होना चाहिए, उनके ट्वीट ने लोगों को उकसाया है, ये औरों की बात करते हैं, अलका लांबा पर एफआईआर होना चाहिए, युवा जागो, आपको रोड पर निकलना चाहिए, अलका लांबा पर, उनको तब कष्ट नहीं होता जब संतों की हत्या हो जाती है, तब अलका लांबा का कोई ट्वीट नहीं आता है, न कोई मांग आती है, लेकिन सोनिया गांधी जी को, उनको यदि उनका नाम बचपन के नाम से, यदि कोई नाम ऐसे पुकार दिया जाए तो वो ट्वीट करके कहती है हम पत्थर से पत्थर बजा देंगे। अरे उनको तो जब बोलना चाहिए था, जब हमारे संतों की हत्या हुई तो महाराष्ट्र सरकार को बोलना चाहिए था, हमें न्याय नहीं मिला तो हम पत्थर से पत्थर बजा देंगे, तब उनका कोई ट्वीट नहीं आता है। निर्धारण कौन से कम्युनल हो चुके हैं, ये कौन सी पार्टी भारत देश की पार्टी से भी संबंध रखती है कि नहीं, अलका लांबा मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसे लोगों पर एफआईआर होने चाहिए जो भड़काऊ, और संघ जो भारत और विश्व हिंदू परिषद को गाली देती है अलका लांबा, अरे जो इस, मुझे ये बता दो संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने इस देश में कौन सा आतंकवाद कराया है, हमें बताए ना कौन सा आतंकवाद का, आप क्यों आतंकवादी कहते हैं? जब वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को गालियां देती है तब कुछ नहीं बोलते, जब एजाज खान, योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे जो एक संत है, उनको टकला कहने पर हमारे मोदी जी को आतंकवादी कहा गया, भस्मासुर कहा गया, कितने, तब इनको कोई आपत्ति नहीं होती, देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कहा गया, लेकिन सोनिया गांधी जी को पुरान आज भी लोग चाय वाला कहते हैं, लेकिन मोदी जी ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी इस विषय पर। मैं कहता हूं मेरे देश को ऐसा ही सहनशील प्रधानमंत्री चाहिए, कम्युनल हो चुके हैं। अब जैसे आज तक रवीश कुमार के ऊपर कभी ऐसा नहीं हुआ, जिन्होंने मोदी जी को इतना सब कुछ बोला, पता नहीं रवीश कुमार हो गए और एक और पत्रकार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इन लोगों के ऊपर नहीं होता है, लेकिन जो इनसे सवाल पूछे, जो इनके पक्ष में बोले, जैसे रवीश कुमार जी हो गए, जो भी बात, इनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? अर्णब गोस्वामी जी के ऊपर क्यों, क्या हमारे पास राइट नहीं है? उन्हें कष्ट होता है कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है। मुझे लगता है कि इस पार्टी को, ऐसे जिस भी पार्टी के व्यक्ति थे उनको भी अच्छे से सजा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि चाहे गठबंधन की सरकार है, मुझे पता वहां न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन इस विषय को भी लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि हमारे पत्रकार भाइयों पर ऐसा होगा तो आने वाले समय में कैसा होगा हमारा भारत? हमारा भारत ये नहीं था। हर एक व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, तो मुझे लगता है गलत है, और उन पर, उन लोगों पर भी जिन्होंने हमला किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने, अलका लांबा जी ने इनको भड़काया है, उन पर भी अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आशा, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। पालकर की घटना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संत लोकेश दास जी और जो हंस देवाचार्य जी के शिष्य हैं ऋषिकेश से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जो ये पालघर की घटना हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो ये पालघर की जो घटना है, बेहद शर्मनाक घटना है। जो पुलिस के, जिनको हम सुरक्षा के रूप में देखते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके मौजूद होते हुए भी घटना घटी, ये और भी शर्मनाक है। और मैं उद्धव ठाकरे जी से पहले भी कह चुका हूं, उनके पिताजी जो थे बाला साहब ठाकरे, वो तो इस भव्य पर आ जाने पर एक मिनट में एक्शन लेते, जैसे योगी, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार,
पत्थर मारे और शाम को एनएसए लगाकर जेल भेज दिया गया। ये निर्णय देखिए किस तरह से लिया जाता है। और ये इतनी बड़ी घटना के बाद भी चार दिन के बाद उद्धव ठाकरे जी कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंसिंग में ये कह रहे हैं कि ये घटना जो है गलती से हुई है, ये गलती से हो गया। ये कौन सी गलती, आपके पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है जो ये इसके लिए आपके पास चोरी, यदि चोरी के कई लोगों ने वहां पर कहा कि जैसे कि चोरी का शक था, चोरी का शक था तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाइए, कह रहे कोई बच्चा चोरी का शक था उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाइए, उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था उसके अकॉर्डिंग आप धाराएं लगा सकते हैं, लेकिन आप किसी को ये मारने का अधिकार कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया आपको? मैं अभी मांग करता हूं मैं महाराष्ट्र सरकार से, मैं तो कहता हूं ये सीबीआई जांच होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अकॉर्डिंग हमें न्याय मिलना चाहिए, और वह चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म से हमें कोई नहीं मिलना, हम वो सिर्फ अपराधी है, हमें न्याय चाहिए, कम से कम फांसी की सजा, इससे नीचे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये जो न्याय होना चाहिए पूरे देश को पता लगना चाहिए ताकि वो इस घटना को, जो इस न्याय को देखे उसके रूह कांप उठे, ऐसा न्याय मिलना चाहिए ताकि कभी कोई सपने में भी ऐसी घटना को करने के लिए सोच ना सके। मैं उद्धव ठाकरे जी से कहता हूं इसके अच्छे से ये सीबीआई को चुप लेना चाहिए, मैं मांग करता हूं। आप सोनिया गांधी को लेकर क्या कहेंगे? सोनिया गांधी ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और यहाँ तक कि अर्णव गोस्वामी ने जब सोनिया गांधी से सवाल किए तो उस पर हमला करवाया गया, सैकड़ों एफआईआर उन पर दर्ज करवाई गई। देखिए क्या आपके हर एक व्यक्ति के पास हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल आप 19 में पढ़ेंगे, वी हैव द राइट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो हर एक व्यक्ति के पास अपना अधिकार है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का, यदि आप पत्रकार से नहीं पूछेंगे, आप उनकी सरकार है उनको, क्योंकि उनके साथ गठबंधन की सरकार है तो उनका भी जवाब बनता है। और जो सोनिया गांधी जी को मुझे लगता है कि हर एक मुद्दे पर, जब शाहीनबाग की बात आई थी तो सोनिया गांधी जी ने दिल्ली के मन से कहा कि हमें बाहर निकल कर विरोध करना चाहिए, ऐसी घटनाओं पर वो सामने आती है, लेकिन अब देश में साधुओं की संख्या हत्या हो चुकी है, ऐसा इतना बड़ा माहौल बन चुका, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ यदि वो, उनको इस विषय पर भी कुछ बोलना चाहिए था और अपनी बात को रखना चाहिए था इस विषय पर भी। और जो एफआईआर कराई है, देखिए क्या है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो फिर पत्रकारों का क्या फायदा, न्यूज एंकरों का क्या फायदा, वो आपसे सवाल ही नहीं पूछेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है अर्णव गोस्वामी जी पर यदि हमला उन लोगों ने ही कराया तो बड़ा ही शर्मनाक है और बहुत ही निंदनीय है, मैं उसकी तो बहुत ज्यादा निंदा करता हूँ। यदि लोगों के ऐसे करने पर, यदि पत्रकारों पर आप हमला कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, और बल्कि अभी कोर्ट ने इन सब एफआईआर को खारिज कर दिया है और अर्णव गोस्वामी जी को सुरक्षा देने की भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं। इस बात को खारिज कर दिया कि हम मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, उसी के साथ आपको जी सर तरीके से उन पर हमला हुआ और जो दो बाइक सवार थे वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, ये प्रूफ हो गया है क्योंकि जो वो कार्यकर्ता थे वो शायद सोनिया गांधी के इशारे पर गए हों या फिर वो उनकी अपनी व्यक्तिगत हो, लेकिन अगर वो पार्टी का है, पार्टी में कार्यकर्ता है तो इसका दायित्व बनता है सोनिया गांधी को आकर इस बात की निंदा करनी चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। यदि ये कंफर्म हो चुका है कि वो कांग्रेसी हैं तो अलका लांबा पर एफआईआर होना चाहिए, उनके ट्वीट ने लोगों को उकसाया है, ये औरों की बात करते हैं, अलका लांबा पर एफआईआर होना चाहिए, युवा जागो, आपको रोड पर निकलना चाहिए, अलका लांबा पर, उनको तब कष्ट नहीं होता जब संतों की हत्या हो जाती है, तब अलका लांबा का कोई ट्वीट नहीं आता है ना कोई मांग आती है, लेकिन सोनिया गांधी जी को उनको यदि उनका नाम बचपन के नाम से यदि कोई नाम ऐसे पुकार दिया जाए तो वो ट्वीट करके कहती है पत्थर से पत्थर बजा देंगे। अरे उनको तो तब जब बोलना चाहिए था, जब हमारे संतों की हत्या हुई तो महाराष्ट्र सरकार को बोलना चाहिए था, हमें न्याय नहीं मिला तो हम पत्थर से पत्थर बजा देंगे, तब उनका कोई ट्वीट नहीं आता है। जाने कौन से कम्युनल हो चुके हैं, ये कौन सी पार्टी भारत देश की पार्टी से भी संबंध रखती है कि नहीं अलका लांबा, मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसे लोगों पर एफआईआर होने चाहिए जो भड़काऊ, और संघ जो भारत और विश्व हिंदू परिषद को गाली देती है अलका लांबा, अरे जो इस मुझे ये बता दो संघ ने विश्व हिंदू परिषद ने इस देश में कौन सा आतंकवाद कराया है, हमें बताए ना कौन सा आतंकवाद का, आप क्यों आतंकवादी कहते हैं? जब वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को गालियां देती है तब कुछ नहीं बोलते, जब एजाज खान योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे जो एक संत है उनको टकला कहने पर हमारे मोदी जी को आतंकवादी कहा गया,
भस्मासुर कहा गया, कितने, तब इनको कोई आपत्ति नहीं होती, देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कहा गया, लेकिन सोनिया गांधी जी को पुराने आज भी लोग चाय वाला कहते हैं, लेकिन मोदी जी ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी इस विषय पर। मैं कहता हूं मेरे देश को ऐसा ही सहनशील प्रधानमंत्री चाहिए। और मैं तो देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक वो होती है, फॉलोअर्स होती है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी हर एक बात मुझे अच्छी लगती है, वो देश प्रेमी है। फिर मैंने सबके बयान देखे हैं, सबके ट्वीट्स में जाकर देखता हूँ किसने क्या प्रतिक्रिया दी है, किसी ने नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरे देश को मत जलाओ, जिसको तुम्हें लगता है मैं गलत हूं तो मुझे नहीं मार सकते, मेरा पुतला लाओ, मेरे पुतले को मारो, लेकिन मेरे देश को मत जलाओ। मैं इसलिए योगी जी और मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि मैंने उनकी आंखों में देश प्रेम देखा है, इसलिए मैं उनको बहुत मानता हूं। और बल्कि अलका लांबा पर FIR होना चाहिए क्योंकि उन्होंने उन युवाओं को भड़काया है। मिस्टर अर्णव गोस्वामी पर जो हमला हुआ उसको लेकर आपने कहा कि अगर ये कांग्रेस की तरफ से कराया गया तो बहुत ही निंदनीय है, और ये प्रूफ भी हो गया कि उनके कार्यकर्ता थे, और जिस तरीके से उन पर FIR कराई जा रही है, एक तरीके से उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक सवाल पूछ लिया था सोनिया गांधी से, और क्या ये पूरे मीडिया के लिए खतरा है, क्योंकि पूरे मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, वो एक पत्रकार नहीं है, पूरी मीडिया की आवाज। नहीं नहीं वो बिल्कुल आपकी बात सत्य है पूरी, मुझे लगता है कि ये ना कम्युनल हो चुके हैं। अब जैसे आज तक रवीश कुमार के ऊपर कभी ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने मोदी जी को इतना सब कुछ बोला, पता नहीं रवीश कुमार हो गए और एक और पत्रकार मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इन लोगों के ऊपर नहीं होता है, लेकिन जो इनसे सवाल पूछे, जो इनके पक्ष में बोले, जैसे रविश कुमार जी हो गए, जो भी बात इनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, अर्णव गोस्वामी जी के ऊपर क्यों, क्यों क्या हमारे पास राइट नहीं है? उन्हें कष्ट होता है कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है। मुझे लगता है कि इस पार्टी को, ऐसे जिस भी पार्टी के व्यक्ति थे उनको भी अच्छे से सजा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि चाहे गठबंधन की सरकार है, मुझे पता वहां न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन इस विषय को भी लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि हमारे पत्रकार भाइयों पर ऐसा होगा तो आने वाले समय में कैसा होगा हमारा भारत? हमारा भारत ये नहीं था, हर एक व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, तो मुझे लगता है गलत है, और उन पर, उन लोगों पर भी जिन्होंने हमला किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने अलका लांबा जी ने इनको भड़काया है उन पर भी अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। सर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना को लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी तो इस बात को लेकर चुप है, वहीं अगर सोनिया गांधी से आप सवाल पूछ रहे हैं तो उनसे भी सवाल पूछें। शायद आपको पता नहीं होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी दुनिया से, आज अमेरिका में आपको बता दूं अमेरिका चाइना आपस में लड़ रहा है, दे आर फाइटिंग टू ईच अदर, इस क्रिटिकल कंडीशन में भी आपस में फाइट कर रहा है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ ये कर रहे हैं कि अपने देश को कैसे बचाना है, 24 घंटे हर एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हर एक कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति डॉक्टरों से, हर एक अपने लोगों से बात कर रहे हैं कि देश को कैसे बचाया जाए। उनके पास जो अपना समय सब लोगों को दे रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो इतने ज्यादा व्यस्त हैं, मुझे जहां तक लगता है कि वो, लेकिन मोदी जी को भी इस विषय पर बोलना चाहिए था, मुझे लगता है ऐसा। आपको लगता है कि इस विषय पर नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए था क्योंकि सोनिया गांधी से अगर सवाल? नहीं नहीं नहीं, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी इस विषय पर बोलना चाहिए था, यदि नहीं बोला है तो उसका कारण भी बताना चाहिए। खाली नरेंद्र मोदी जी नहीं, और भी जो ऐसे इस प्रकार के लोग हैं, जैसे सोनिया गांधी जी हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, ममता बनर्जी जी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, सबको बोलना चाहिए था इस विषय पर, किसी को कोई आपत्ति नहीं आई, मुझे बड़ा खेद है इस विषय। अर्णव गोस्वामी को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या उन्होंने सही सवाल? देखिए क्या है, अभी कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में कहा, अर्णव गोस्वामी जी ने, उनके पास क्यों कोई, जब कपिल सिब्बल जितने बड़े वकील है तो उनके पास कोई और क्यों नहीं उनको वो करवा पाए, उन और कोई सवाल थे ही नहीं उनके पास, तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है, आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी पत्रकार में हमसे ऐसा करने की, तो उस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली डेफिनेटली हर्ट तो हो गई, तो इस विषय को लेकर उनको पीड़ा है, बाकी इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत मुझे नहीं लगता है। यानी कि आप अर्णव गोस्वामी को सपोर्ट करते हैं? मैं पूरा सपोर्ट करता हूं उनको, और ऐसे ही मैं नहीं कहता किसी विशेष पार्टी से, हर एक पार्टी से ऐसे सवाल करे, जो कि अभी सरकार जिसके सवाल उसी से होंगे ना।
जिसकी सरकार है सवाल है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस का भी उसमें योगदान है, तो इसलिए जिसका जिसकी सरकार है सवाल उसी से होंगे। और मैं अर्णव गोस्वामी जी को कहना चाहता हूँ, केवल किसी विशेष पार्टी से नहीं, आप देश के हर एक पार्टी के लोगों से इस बात को ऐसे ही जैसे उनसे पूछा सबसे पूछना चाहिए, इसमें कोई भी गलत नहीं है। जांच को लेकर आपका क्या कहना है, घटना की जांच को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए, इससे कुछ भी कम मंजूर नहीं होगा, सीबीआई से कुछ नहीं, और हमें फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट के अकॉर्डिंग हमें न्याय चाहिए, और मौत की सजा, फांसी की सजा से कुछ भी नीचे नहीं। ये घटना ऐसी होनी चाहिए ताकि पूरा देश याद रखे, कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले सपने में भी ना सोच सके, उसको ये घटना हमेशा याद आए। तो मुझे नहीं लगता आज के बाद हमारे देश में ऐसी घटनाएं फिर से घटेंगी, मुझे ऐसा लगता है। सुशील आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री जय श्री।